मियाँ नसीरुद्दीन, कृष्णा सोबती। हम एक दोपहरी जामा मस्जिद के आड़े पड़े मटिया महल के गढ़ैया मोहल्ले की ओर निकल गए। एक निहायत मामूली अंधेरी सी दुकान पर पटापट आटे का ढेर संते देख ठिठके। सोचा सेवइयों की तैयारी होगी। पूछने पर मालूम हुआ खानदानी नानबाई मियाँ नसीरुद्दीन की दुकान पर खड़े हैं। मियाँ मशहूर हैं 56 किस्म की रोटियाँ बनाने के लिए। हमने अंदर झांका तो पाया मियाँ चारपाई पर बैठे बीड़ी का मजा ले रहे हैं। मौसमों की मार से पका चेहरा, आंखों में काइयां भोलापन और पेशानी पर मजे हुए कारीगर के तेवर। हमें गाहक समझ मियाँ ने नजर उठाई और कहा, फरमाइए। झिझक से मैंने कहा, आपसे कुछ एक सवाल पूछने थे। मियाँ नसीरुद्दीन ने घूर कर देखा और कहा, मियाँ कहीं अखबार नवीस तो नहीं हो? यह तो खोजियों की खुराफात है। हम तो अखबार बनाने वाले और अखबार पढ़ने वाले दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। हाँ, काम काजी आदमी को इससे क्या काम है। खैर, आपने यहाँ तक आने की तकलीफ उठाई ही है तो पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? जी, पूछना यह था कि किस्म किस्म की रोटी पकाने का इल्म आपने कहाँ से हासिल किया? मियाँ नसीरुद्दीन ने कहा, जो कुछ भी सीखा अपने वालिद उस्ताद से ही। मतलब यह कि हम घर से ना निकले कि कोई पेशा अख्तियार करेंगे। जो बाप दादा का हुनर था वही उनसे पाया, और वालिद मरहूम के उठ जाने पर आ बैठे उन्हीं के ठीहे पर। आपके वालिद? मियाँ नसीरुद्दीन की आंखें लम्हा भर को किसी भट्टी में गुम हो गई। लगा गहरी सोच में है, फिर सिर हिलाया। हाँ, हमारे वालिद साहब मशहूर थे मियाँ बरकत शाही नानबाई गढ़िया वाले के नाम से, और उनके वालिद यानी कि हमारे दादा साहब थे आला नानबाई मियाँ कल्लन। आपको इन दोनों में से किसी की कोई भी नसीहत याद हो? नसीहत का है कि मियाँ, काम करने से आता है, नसीहतों से नहीं। हाँ, वजह फरमाया है, पर यह तो बताइए ही बताइए कि जब आप इस काम पर लगे तो वालिद साहिब ने सीख के तौर पर कुछ तो कहा होगा। नसीरुद्दीन साहिब ने जल्दी जल्दी 2-3 कस खींचे, फिर गला साफ किया और बड़े अंदाज से बोले, अगर आपको कुछ कहलवाना ही है तो बताए दिए देते हैं। आप जानो, जब बच्चा उस्ताद के यहाँ पढ़ने बैठता है तो उस्ताद कहता है कह अलिफ, बच्चा कहता है अलिफ, कह बे, बच्चा कहता है बे, कह जीम, बच्चा कहता है जीम। इस बीच उस्ताद जोर का एक हाथ सिर पर धरता है और सागिर्द चुपचाप परवान करता है। समझे साहिब, एक तो पढ़ाई ऐसी और दूसरी। बात को बीच में छोड़ सामने से गुजरते मीर साहिब को आवाज दे डाली, कहाँ भाई मीर साहिब, सुबह ना आना हुआ पर क्यों? मीर साहिब ने सिर हिलाया, मियाँ अभी लौट कर आते हैं तो बतावेंगे। आप दूसरी पढ़ाई की बात कुछ कह रहे थे ना? इस बार मियाँ नसीरुद्दीन ने यूं सिर हिलाया कि सुकरात हो। हाँ, एक दूसरी पढ़ाई भी होती है। सुनिए, अगर बच्चे को भेजा मदरसे तो बच्चा ना कच्ची में बैठा, ना बैठा पक्की में, ना दूसरी में, और जा बैठा तीसरी में। हम तो पूछेंगे कि उन 3 जमातों का क्या हुआ, क्या हुआ उन 3 क्लासों का। जरा सी देर को मान लीजिए, हम बर्तन धोना ना सीखते, हम भट्टी बनाना ना सीखते, हम भट्टी को आंच देना ना सीखते, तो क्या हम सीधे सीधे नानबाई का हुनर सीख जाते? मियाँ नसीरुद्दीन
हमारी ओर कुछ ऐसे देखा किए कि उन्हें हमसे जवाब पाना हो। फिर बड़े ही मजे अंदाज में कहा, कहने का मतलब साहब यह कि तालीम की तालीम भी बड़ी चीज होती है। मैंने सिर हिलाया, है साहिब माना। आपने खानदानी नानबाई होने का जिक्र किया, क्या यहाँ और भी नानबाई हैं? मियाँ ने घूरा, बहुतेरे पर खानदानी नहीं। सुनिए, दिमाग में चक्कर काट गई एक बात। हमारे बुजुर्गों से बादशाह सलामत ने यूं ही कहा, कोई ऐसी चीज बनाओ जो ना आग से पके ना पानी से बने। अच्छा, क्या उनसे बनी ऐसी चीज? क्यों ना बनी साहिब, बनी और बादशाह सलामत ने खूब खाई और खूब सराही। मुझे लगा हमारा आना कुछ रंग लाना चाहता है। मैंने बेसब्री से पूछा, वह पकवान क्या था? कोई खास ही चीज होगी? मियाँ कुछ देर सोच में खोए रहे। सोचा पकवान पर रोशनी डालने को है कि नसीरुद्दीन साहिब बड़ी रुखाई से बोले, यह हम ना बतावेंगे, बस आप इतना समझ लीजिए कि एक कहावत है ना कि खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकता है। कहावत जब भी गड़े गई हो हमारे बुजुर्गों के कर्तव्य पर ही पूरी उतरती है। मैंने मजा लेने के लिए टोका, कहावत यह सच्ची भी है कि? मियाँ ने तरेरा, और क्या झूठी है, आप ही बताइए। रोटी पकाने में झूठ का क्या काम? झूठ से रोटी पकेगी? क्या पकती देखी है कभी? रोटी जनाब पकती है आज से, समझे? मुझे मजबूरन सिर हिलाना पड़ा, जी ठीक ही फरमाते हैं। इसी बीच मियाँ ने किसी और को पुकार लिया, मियाँ रहमत इस वक्त किधर को? अरे वह लौंडिया ना आई रुमाली लेने, शाम को मंगवा लीजो। हमने कहा, अभी यही जानना था कि आपके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाने में तो काम किया ही होगा। मियाँ ने बेरुखी से टोका, वह बात तो पहले हो चुकी है ना? हाँ हो तो चुकी साहिब, पर जानना यह था कि दिल्ली के किस बादशाह के यहाँ आपके बुजुर्ग काम किया करते थे। अजी साहब, क्यों बाल की खाल निकालने पर तुले हैं? कह दिया ना कि बादशाह के यहाँ काम करते थे, सो काफी नहीं क्या? हम खिसियानी हंसी हंसे, है तो काफी, पर जरा नाम लेते तो उसे वक्त से मिला लेते। वक्त से मिला लेते खूब, पर किसे मिलाते जनाब आप वक्त से? मियाँ जैसे हमारी खिल्ली उड़ाते हो। वक्त को वक्त से किसने मिलाया है आज तक? खैर पूछिए किसका नाम जानना चाहते हैं? दिल्ली के बादशाह का ही ना, उनका नाम कौन नहीं जानता? जहाँ पना बादशाह सलामत ही ना। कौन से बहादुर शाह जफर की? इस बार मियाँ ने खींच कर कहा, फिर उलट पलट कर वही बात, लिख लीजिए बस यही नाम। आपको कौन बादशाह के नाम चिट्ठी रुका भेजना है कि डाक खाने वालों के लिए सही नाम पता जरूरी है? हमें बिटर बिटर अपनी तरफ देखते पाया तो सिर हिला, अपने कारीगर से बोले, अरे ओ बब्बन मियाँ, भट्टी सुलगा दो तो काम से निपटे। यह बब्बन मियाँ कौन है साहिब? मियाँ ने रुखाई से जैसे फांक ही काट ली हो। अपने कारीगर है और कौन होंगे? हमने कहा, ये कारीगर लोग आपकी सागिर्दी करते हैं? खाली सागिर्दी ही नहीं साहिब, गिनकर मजदूरी देता हूँ। 2 रुपए मन आटे की मजूरी, 4 रुपए मन मैदे की मजूरी। हाँ, ज्यादातर भट्टी पर कौन सी रोटियाँ पका करती हैं? मियाँ को अब तक इस मजूबन में कोई दिलचस्पी बाकी न रही थी, फिर भी हमसे छुटकारा पाने को बोले, बाकर खानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रुमाली, गाव, दीदा, गाजपान, तुनकी। फिर तेवर चढ़ा, हमें घूर कर कहा, तुनकी पापड़ से ज्यादा महीन होती है, महीन। हाँ किसी दिन खिलाएंगे आपको। एक
मियाँ की आंखों के आगे कुछ कौंध गया। एक लंबी सांस भरी और किसी गुमशुदा याद को ताजा करने को कहा। उतर गए वो जमाने और गए वो कदरदान जो पकाने खाने की कद्र करना जानते थे। मियाँ अब क्या रखा है, निकाली तंदूर से निगली और हजम। If you like my videos, please subscribe my channel, Fred Monster Studios, and hit the bell icon.